नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं बैक टू बैक खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को होने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को शाम 5:30 में राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। कार्यक्रम के अतिथि विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल होंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जा रहा है। वही कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के मामले में छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन को लेकर सभी जिला अध्यक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिला में कांग्रेस पार्टी आयकर विभाग के दफ्तरों के सामने आंदोलन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिला अध्यक्षकों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि 19 फरवरी के दिन सुबह 11 बजे से सभी आयकर विभाग के दफ्तर के सामने इकट्ठा हो जाए, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ता स्थानीय नेताओं के साथ साथ सभी विधायकों को प्रदेश में शामिल होने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वही दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने शनिवार 17 फरवरी को देर रात 2:35 में शरीर त्याग दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में अंतिम सांस ली। उन्होंने पिछले 3 दिन से उपवास और मौन धारण कर लिया था। इसके पहले 6 फरवरी को उन्होंने मुनि योग सागर से चर्चा करने के बाद आचार्य पद का त्याग कर दिया था। उन्होंने मुनि समय सागर महाराज को आचार्य पद देने की घोषणा भी कर दी थी। आचार्य विद्यासागर जी के शरीर त्यागने की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग डोंगरगढ़ पहुंचे। शनिवार दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द भी कर दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, संभल पहुंच गए हैं और कुछ देर में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस मंदिर को श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट बनवा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। इस कार्यक्रम में शामिल होने देश भर से 11,000 से अधिक साधु संत संभल पहुंचे हैं। कई धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मंदिर में शिलान्यास समारोह में उपस्थित हैं। वहीं श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य पूरा होने के लिए 5 साल लगेंगे। इस मंदिर का निर्माण भी बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा। सोमनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर भी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से ही बना है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। इसमें स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। श्री कल्कि धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिनमें भगवान विष्णु के 10 अवतार विग्रह स्थापित किए जाएंगे। वहीं ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनी पेटीएम की बैंकिंग यूनिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक का एक्शन अन्य फिनटेक कंपनियों के लिए एक सबक है। इस मामले पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आपको कानून का पालन करना ही होगा, ये कंपनियों के लिए वैकल्पिक नहीं हो सकता। पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए बैन को लेकर बात की और कहा कि पेटीएम बैंक पर की गई कार्यवाही का एक ऐसा मामला जो दिखाता है कि उद्यमी बनाए गए नियमों का पालन नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और हर कंपनी को कानून का पालन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई के हालिया रेगुलेटरी एक्शन ने फिनटेक फर्मों का ध्यान कानून के अनुपालन के महत्व की ओर खींचा है। साइबर फ्रॉड के आए दिन नए नए केस पढ़ने या सुनने को मिलते हैं। अब पुलिस ने साइबर खतरों से लड़ने के लिए एक AI पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च किया है। सूरत पुलिस ने इसे लॉन्च किया है और इसका नाम सूरत साइबर मित्र है। बताते चले कि भारत के अलग अलग हिस्सों में साइबर फ्रॉड के कई केस दर्ज हो चुके हैं। साइबर क्रिमिनल्स बड़ी ही आसानी से लोगों की जिंदगी की कमाई उड़ा ले जाते हैं। साइबर सूरत साइबर मित्र को लॉन्च करने का मकसद लोगों को सुरक्षित रखना है। यह लोगों को साइबर फ्रॉड से प्रोटेक्ट करती है और उससे बचाव के लिए गाइडलाइंस भी देती है। साथ ही यह स्पेशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करने का भी चांस देती है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली है। सूरत साइबर मित्रा को लॉन्च करते हुए सूरत साइबर क्राइम SCP AP गोहिल ने बताया कि AI चैटबॉट का मकसद सूरत को साइबर सेफ सिटी बनाना है। वही दुनिया की 80% आबादी को एक या उससे अधिक मच्छर जनित बीमारियों का खतरा है। इससे बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घरों के अंदर कीटनाशकों की छिड़काव को लेकर एक नया मैनुअल जारी किया है। IRS ने इस बीमारियों को नियंत्रण करने में बेहद कारगर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मच्छर, मक्खियां, कीड़े और अन्य वायरस परजीवी तथा बैक्टीरिया का प्रसार करते हैं।
इसकी वजह से दुनिया भर में लाखों लोग संक्रमित हो जाते हैं। इन खतरनाक संक्रमक बीमारियों से मलेरिया, डेंगू, पीलिया, पीला बुखार, जीका वायरस रोग और आदि चरस रोग जैसे घातक संक्रमण शामिल होते हैं। वहीं आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई सुहाना भटनागर का महज 19 साल की उम्र में निधन हो गया। सुहानी को डर्मेटोमायोसिस नाम की एक रेयर बीमारी थी जिसके इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल उन्हें दवा का रिएक्शन हुआ था जिससे उनके शरीर में पानी भर गया था। एम्स में चल रहे इलाज के बीच आई कॉम्प्लिकेशन से उनका निधन हो गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी हस्ती ने बीमारी या इलाज के दौरान या बेवक्त दुनिया को अलविदा कर दिया। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस आरती की भी एक कॉस्मेटिक सर्जरी प्रक्रिया के दौरान कम उम्र में जान चली गई थी। वहीं कन्नड़ एक्ट्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपनी फिटनेस के लिए अलग पहचान रखने वाले सिद्धार्थ शुक्ला की भी हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 के साथ। आपके हक की बात।